हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम्स टुडे। और आज की वीडियो जो है वो डेली वोकैबुलरी पे है, जो हमने द हिंदू से कुछ मॉडरेट लेवल के वर्ड्स को डिपिक्ट किया है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने 2 या 3 दिन पहले एक वोकैबुलरी वीडियो अपलोड की थी कि आपको अपनी वोकैब को कैसे इम्प्रूव करना है। बट हमने ये सोचा कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, रादर कि हम उनको एक आर्टिकल प्रोवाइड करें कि वो अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर सके, हम उनके लिए एक वीडियो लेकर आए डेली बेसिस पे, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं और जो हम सुनते हैं उसमें से ज़्यादा इम्पैक्ट जो हमारी लिसनिंग होती है उसका जाता है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम आपके लिए डेली वोकैबुलरी लेकर आएंगे द हिंदू से। स्टार्टिंग में जो वर्ड्स आने वाले हैं वो थोड़े इजी एंड मॉडरेट लेवल के होंगे, ताकि आपको समझ में आए कि आपने अपनी वोकैब को किस तरह से प्रिपेयर करना है। राइट, धीरे धीरे करते करते हम डिफिकल्ट लेवल के वर्ड्स पे जाएंगे, और इस वीडियो में मैं आपको वर्ड्स, उनके मीनिंग्स को कैसे याद रखना है और उनके रूट वर्ड्स कैसे आते हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स क्या हैं, उनको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है, जो मैंने अपनी प्रीवियस वोकैबुलरी वीडियो में आपको बताया था कि हमें वर्ड्स को यूज़ कैसे करना होता है, फॉर्मेशंस कैसे बनानी है। तो ये सब कुछ ही आपको एक प्रैक्टिकल तरीके से समझाने के लिए हम ये वीडियोज़ को डेली बेसिस पे प्रिपेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के हमारे जो वर्ड्स हैं वो द हिंदू से लिए हुए हैं और थोड़े से मॉडरेट लेवल के हैं, ताकि हम एकदम से डिफ़िकल्ट वर्ड्स पे जंप इन ना करें, क्योंकि डिफ़िकल्ट वर्ड्स को रिमेंबर और मेमोराइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहले अपने माइंड को प्रिपेयर कर लीजिए इस वीडियोस के लिए कि आपको डेली बेसिस पे ये वीडियो को देखना है, तो आपके वो जो वो क्या आपकी लर्निंग स्किल्स हैं वो थोड़ी शार्पन हो जाए, वो थोड़ी तेज़ हो जाए, आपको वर्ड्स लर्न करने की आदत पड़ जाए, तो हम एक हफ्ते या 2 हफ्तों के बाद डिफ़िकल्ट लेवल के वर्ड्स पे जाएंगे। राइट, तो आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है एंटीसिपेटरी। अब आपको करना क्या है कि पहले तो देखना है कि इसके सफिक्स क्या हैं और प्रीफिक्स क्या हैं। प्रीफिक्स जो होते हैं, प्री मीन्स पहले वाला, ठीक है, तो प्रीफिक्स मतलब जो स्टार्टिंग में वर्ड्स यूज हुए हैं, एंड सफिक्स मतलब जो वर्ड्स आपने एंड में यूज किए हैं, क्योंकि प्रीफिक्स एंड सफिक्स का बहुत ज्यादा असर पड़ता है आपके वर्ड फॉर्मेशन पे, तो इसलिए आपको ये करना जरूरी है, क्योंकि ये रूट वर्ड्स के ऊपर बेस्ड है। हम रूट वर्ड्स की जो हमारी आर्टिकल की लिस्ट है यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसको रीड कर सकते हैं। तो एंटीसिपेटरी का अगर हम हिंदी मीनिंग देखें तो वो होता है अग्रिम। अग्रिम मीन्स पहला, या फिर आपको कोई चीज़ फर्स्ट रियलाइज हो जाती है, पूर्वानुमान जिसको हम कहते हैं कि मुझे इस चीज़ की इंट्यूशन हो रही है, या फिर आपको पता चल जाता है कि कुछ ऐसा होने वाला है, तो आपको उसको एंटीसिपेटरी बोलते हैं। अब अगर मैं इसके रूट वर्ड की बात करूं तो इसके लिए हमने रूट वर्ड एंटे यूज किया है, जो जिसका मतलब है बिफोर। एंटे को हमने आगे ANTI में कर दिया है चेंज, क्योंकि ANTI ज्यादा यूज होता है जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, और एंटे का कभी कभी मीनिंग होता है जब हम किसी चीज़ के अगेंस्ट चले जाते हैं, वो भी एंटी होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो एंटी है वो एंटे से आया, जिसका मतलब है बिफोर। तो बिफोर से इसका मतलब है कि आपको किसी चीज़ के बारे में पहले से पता लग जाता है, या फिर आपको उसका पहले से एहसास हो जाता है, वो होता है एंटीसिपेटरी। ठीक है, तो ये एंटीसिपेटरी जो है ये एक एडजेक्टिव है। अगर हम इसको वर्ब फॉर्मेशन में लेकर जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, एंटीसिपेट। एंटीसिपेट मतलब कि आपने किसी चीज को स्टार्ट किया है। राइट, बिफोर मतलब आपने उस चीज को स्टार्ट कर चुके हैं, वो हो जाएगा एंटीसिपेट। एंड अगर हम इसके नाउन फॉर्म की बात करें तो वो होगी एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन मतलब कि किसी चीज की शुरुआत। ओके, तो अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें,
जो एंटिसिपेटरी वर्ड है वो हम एक्साइटमेंट के लिए भी यूज करते हैं, लाइक हिज एंटिसिपेशन, हर एंटिसिपेशन मीन्स उसकी एक्साइटमेंट। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि जब भी आपको इस सेंटेंस में एंटिसिपेटरी, एंटिसिपेशन या एंटिसिपेट वर्ड को पढ़ते हैं तो आपको उसके मीनिंग को क्लैरिफाई करना है कि वो एक्साइटमेंट के लिए यूज़ किया गया है या फिर वो एक शुरुआत के लिए यूज़ किया गया है, राइट? तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इम्पेशेंट, क्योंकि एक्साइटमेंट का जो दूसरा वर्ड है वो है इम्पेशेंट। फिर एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्ट से जो हमारा वर्ड बना है वो है एक्सपेक्टेंसी, जिसका मतलब है कि आपको किसी चीज़ का एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको। और तीसरा है होपफुल, आपको उम्मीद है किसी चीज़ की, ठीक है? तो एंटिसिपेटरी से आपके पास सिनोनिम्स क्या है? इम्पेशेंट, जो कि हमने एक्साइटमेंट के लिए यूज़ करना है, एक्सपेक्टेंसी कि आप कोई चीज़ की एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं या फिर आप उम्मीद रख रहे हैं, ओके? एंड अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो वो आएगा प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज अ नाउन, जब TION वर्ड के एंड में लगा है तो वो नाउन्स बन जाते हैं, और अगर हम इसको सिर्फ प्रिवेंट करें तो वो वर्ब बन जाएगी, ठीक है? तो प्रिवेंशन मतलब कि आपने उस चीज़ को रोक दिया, एंटिसिपेट मतलब शुरुआत करना और प्रिवेंट मतलब उसको रोकना। दूसरा है प्रिकॉशनरी। प्रिकॉशनरी हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि एंटिसिपेटरी का मतलब है कि आप किसी चीज़ को शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रिकॉशनरी का मतलब है कि आप उसको करने से पहले जो भी आपको प्रिकॉशंस लेने हैं या रोकने वाली चीज़ें हैं अपनी सावधानी के लिए जो ज़रूरी हैं उसको यूज़ करना है आपने, तो वो प्रिकॉशनरी हो जाएगा, ओके? तो अगर हमने इसको सेंटेंस में यूज़ करना है, अब हमने एग्जाम्पल्स भी तो लेने हैं कि हमने राइटिंग स्किल्स में इसको कैसे यूज़ करना है, तो इन एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन क्या है? एक नाउन, इन एंटिसिपेशन ऑफ हिज बेबीज अराइवल ही ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी। तो यहाँ पर एंटिसिपेशन वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? बेबीज अराइवल मतलब एक बच्चे का जो आने वाला है उसके लिए तो हम एक्साइटेड होंगे ना, क्योंकि वो शुरुआत नहीं है, वो एक एक्साइटमेंट है। तो यहाँ पर जो एंटिसिपेशन है वो एक्साइटमेंट के लिए यूज हुआ है, ठीक है? सेकेंड है अगर हम उसको वर्ब फॉर्म में यूज करें, यू नीड टू एंटिसिपेट द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर एंटिसिपेट का मतलब है कि आपने एम्प्लॉयमेंट को, अनएम्प्लॉयमेंट को और पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, प्रिवेंटिव मतलब रोकने वाले मेजर्स, तरीके अपनाने हैं। तो एंटिसिपेट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? स्टार्ट करना है, राइट? और यहाँ पर है वी हैव टेकन सम एंटिसिपेटरी मेजर्स, वी हैव टेकन सम एंटिसिपेटरी मेजर्स। इट मीन्स कि हमने उसके लिए जो ज़रूरी कदम है स्टार्टिंग वाले वो हम उठा चुके हैं। तो एंटिसिपेटरी जो है वो मेजर जो कि एक नाउन है उसके लिए यूज़ हुआ, तो यहाँ पर एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। जो एडजेक्टिव्स है हमेशा नाउन से पहले लगते हैं, और जो एडवर्ब्स होते हैं वो नाउन के बाद लगते हैं, यूज होते हैं, राइट? तो ये हमारे एंटिसिपेटरी का
एक पूरा चार्ट था। एंटीसिपेटरी मतलब जो स्टार्टिंग या पूर्वानुमान, जो रूट वर्ड एंटी से या एंटे से आया है, इसकी जो वर्ब फॉर्म है वो एंटीसिपेट है, नाउन फॉर्म एंटीसिपेशन है, और इसके अलावा हम सिनोनिम सुनते तो वो एक्साइटमेंट से इम्पेशेंट आया है, एक्सपेक्टेंसी जो एंटीसिपेटरी से ही आई है, एंड होपफुल। और इसके एंटोनिम्स क्या हैं, प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशनरी। और एक इसका डिफ़िकल्ट वर्ड है, अगर आपको एंटीसिपेटरी का कोई एक डिफ़िकल्ट सिनोनिम ढूंढने को कहा जाए तो वो क्या होएगा, प्रीमोनिशन, राइट। प्रीमोनिशन जो है वो एंटीसिपेटरी का एक नाउन सिनोनिम है, बट ये एक नाउन फॉर्म में है, राइट। तो प्रीमोनिशन एंड एंटीसिपेशन दोनों ये एक सेम मीनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि जिसका मतलब है अग्रिम या फिर पूर्वानुमान। आई हैव अ प्रीमोनिशन अबाउट हिज करियर, राइट। तो आपको जिस चीज़ का पहले से पता लग जाता है या इंट्यूशन हो जाती है तो आप उसको प्रीमोनिशन वर्ड यूज़ कर सकते हैं इंट्यूशन के लिए, या फिर पहले से अगर आपको बोल रहे हैं कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो प्रीमोनिशन या एंटिसिपेशन यूज़ करिए। सेकेंड वर्ड है एलीग्ड। एलीग्ड का अगर हम हिंदी में मीनिंग बताएं तो वो होता है कथित तौर पर। बेसिकली जो लोग होते हैं वो एलीग्ड का मीनिंग ये लेते हैं कि हमने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। एलीग्ड का मतलब है कि अभी उसकी जो इल्ज़ाम है वो साबित नहीं हुए हैं। तो इंसान जो भी, अगर कोई पर्सन है या फिर क्रिमिनल है या कोई भी इंसान जिसको हम डाउट्स के बेसिस पे अरेस्ट करते हैं, उसके लिए हम एलीग्ड वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका अगर इंग्लिश में मीनिंग है तो वो डिक्लेयर हो जाएगा कि पुलिस ने उसको डिक्लेयर तो किया है कि उसको अरेस्ट किया गया है किसी चीज़ के लिए, बट अभी जो उसके इल्ज़ाम है कोर्ट की तरफ से उसके ऊपर साबित नहीं हुए हैं। इसका अगर हम एडजेक्टिव, ये वर्ब फॉर्म है, एडजेक्टिव फॉर्म एलीग एबल, नाउन फॉर्म एलिगेशंस। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि अगर आपके पास टी आई ओ एन है तो वो एक नाउन हो जाता है, राइट। नाउ इसका कोई रूट वर्ड अभी तक मुझे मिला नहीं था, इसलिए मैंने इसमें रूट वर्ड्स की बात नहीं की है। अगर हमने इसके सिनोनिम्स की बात करनी है तो वो आएंगे, सपोज्ड कि हमने सिर्फ माना है उस चीज़ को, सस्पेक्ट कि वो सिर्फ एक शक की बिना है उस पर, वो शक उस पर शक किया जा रहा है, और सो कॉल्ड जिसका कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है। एंड एंटोनिम्स इसके क्या होंगे, ऑथेंटिकली या ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मीन्स रियल, सिंसियर, ये सब पॉजिटिव वर्ड है, जबकि एलीग जो है वो एक नेगेटिव वर्ड है। सिंसियर, रियल या फिर ओरिजिनल, ठीक है। तो ये इसके एक पॉजिटिव एंटोनिम्स हैं, क्योंकि अगर हमने एलीग्ड वर्ड को नेगेटिव के लिए यूज़ किया है तो जो उसके एंटोनिम्स होंगे वो ऑब्वियसली पॉजिटिव होने वाले हैं। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो फर्स्ट आएगा द एलीग्ड सस्पेक्ट was arrested today. यहाँ पर अलीग का मतलब है कि जो कथित तौर पर एक सस्पेक्ट था उसको हमने अरेस्ट कर लिया है। दूसरा है his allegations are बेसलेस, कि उसने जो भी इल्ज़ाम लगाए हैं वो उनका कोई भी आधार नहीं है।
और अगर आपको इसका एक डिफिकल्ट वर्ड चाहिए, डिफिकल्ट वर्ड में आएगा प्यूटेटिव, प्यूटेटिव मीन्स ख्यात, ख्यात मीन्स फेमस। अब जो फेमस है वो पॉजिटिव है, लेकिन प्यूटेटिव जो है वो एक जनरली हम उसको नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं, जो कि अगर आपने किसी क्रिमिनल के लिए या फिर जो पर्सन पॉजिटिव काम के लिए नहीं बल्कि नेगेटिव काम के लिए फेमस है, तो उसके लिए हम प्यूटेटिव वर्ड यूज़ करते हैं। आई होप ये आपको अब याद रहेगा कि एलिग का मतलब क्या है, एलिगेशन, एलिगेबल। ठीक है, नेक्स्ट है डिमोलिशन। डिमोलिशन मीन्स नाश, डिस्ट्रक्शन, सब कुछ खत्म करना है। ठीक है, तो इसका हिंदी में मतलब हो गया नाश, और ये एक नाउन है क्योंकि आई एन लगा हुआ है आपके पास, टी आई ओ एन, तो पता चल जाएगा कि नाउन फॉर्म है। अब जो इसका रूट वर्ड है वो है डी ई, जिसका मतलब है नेगेटिव। एक तो ये नेगेटिव होता है डी ई अगर आपके पास लगा हुआ है, और इसका मतलब है कि आप किसी चीज़ को अलग कर देते हैं। आपने डिवाइड पढ़ा होगा, डिस्ट्रक्शन पढ़ा होगा, डिवीजन पढ़ा होगा, तो डी ई का मतलब है किसी चीज़ को रिड्यूस कर देना, रिमूव कर देना, हटा देना किसी चीज़ के साथ से। तो डिमोलिशन कहाँ से आया है, इसलिए कि जब हम डिमोलिशन या नाश करते हैं तो चीज़ें खत्म हो जाती हैं, इसलिए वो डिमोलिशन है। अब इसके सिनोनिम्स क्या हैं? डिमोलिशन मीन्स डिस्ट्रक्शन, डूम, रोइन, रोइन मीन्स बर्बाद कर देना, रैवेज, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। एंड अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें, तो क्या होंगे? अगर डिस्ट्रक्शन का एंटोनिम क्या है, कंस्ट्रक्शन, तो डिमोलिशन का भी कंस्ट्रक्शन ही आएगा, कंस्ट्रक्शन या फिर कन्फर्मेशन। अब उसको पक्का कर रहे हैं, लेकिन कन्फर्मेशन जो है बिल्डिंग्स के लिए यूज़ नहीं होगा। ठीक है, डिमोलिशन अगर आपके पास किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए, अगर एज ए ऑब्जेक्ट, जैसे मंदिर हो गया या फिर कोई बिल्डिंग हो गई, इन चीज़ों सब चीज़ों के लिए डिमोलिशन यूज़ हुआ है, तो उसका ऑपोजिट कंस्ट्रक्शन होगा। लेकिन अगर डिमोलिशन किसी एक फीलिंग के लिए यूज़ हुआ है, तो उसका, जैसे कि डिमोलिशन ऑफ द पैक्ट या किसी संधि का डिमोलिशन कर दिया, तो उसके लिए हम कन्फर्मेशन वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, और डीमोलिशन के साथ एक वर्ड एसोसिएटेड है, डीमोट, जो कि हम बेसिकली जॉब्स के रिगार्डिंग यूज़ करते हैं। तो डीमोट का मतलब है कि जो प्रमोट का उल्टा है, प्रमोट का मतलब बढ़ावा देना, और डीमोट का मतलब बढ़ा आप उसको नीचे लेकर जा रहे हैं, इसलिए डीमोट इसका वर्ब फॉर्म बन जाएगा, राइट? तो अगर हम इसको सेंटेंसेस में एग्जांपल्स की तरह यूज करेंगे तो कैसे करेंगे? एक और इसकी वर्ब फॉर्म है डिमोलिश। डिमोट एंड डिमोलिश ऑलमोस्ट सेम वर्ब मीनिंग्स रखते हैं, कि खत्म करना या नीचे लेकर जाना है, लेकिन जो डिमोट है वो वर्ब की तरह जॉब्स के रिगार्डिंग, रिक्रूटमेंट के काम के रिगार्डिंग है, और डिमोलिशन जो है वो हमारे बिल्डिंग्स के रिलेटेड है, या फिर किसी भी सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड वर्ड आएगा तो डिमोलिश यूज करेंगे। द मुगल एम्परर, डिमोलिश्ड, मैनी फेमस मॉन्यूमेंट्स, राइट? तो यहाँ पर डिमोलिश्ड एज अ वर्ब यूज हुआ है। द डिमोलिशन ऑफ
राम मंदिर बिकेम द रीजन बिहाइंड द क्यूज इन द सिटी. क्लियर? तो डिमोलिश मतलब नाश. सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रक्शन, डूम, रूइन, रैवेज. एंटोनिम्स जो है वो कंस्ट्रक्शन एंड कन्फर्मेशन है. याद रखना है कि कन्फर्मेशन आप बिल्डिंग्स या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ों के लिए यूज़ नहीं करेंगे. डिमोट जो वर्ड है डिमोलिशन से ही रिलेटेड है, लेकिन वो वर्ब से जुड़ा जॉब्स के लिए जुड़ा जाता है, और डिमोलिश जो वर्ब है वो हमने बिल्डिंग्स के लिए यूज़ करनी है. नेक्स्ट है एक्सट्राडिटेड या फिर एक्सट्राडाइटेड, जैसे आपको इसको प्रोनाउंस करना है वैसे इसकी प्रोनाउंसिएशन एक्सट्राडाइटेड ही आती है. एक्सट्राडाइटेड का मतलब है कि आपने अपना सरेंडर कर दिया है या प्रत्यर्पण कर दिया है. सरेंडर करने को हम क्या बोलेंगे? एक्सट्राडाइटेड. अब जो ये इसका रूट वर्ड क्या है, एक्स्ट्रा ई डी लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये एक वर्ब होगी. एक्स्ट्रा मीन्स कि आपने उसको बाहर निकाल दिया, आउटसाइड, या फिर एक्स भी ले सकते हैं. एक्स का मतलब अवे हो जाएगा, जो आपसे दूर जा चुका है वो एक्स हो गया. तो एक्स्ट्रा डाइटेड का मतलब यहाँ पर एक्स्ट्रा से लिया गया है, जो आउटसाइड है, कि आपने अपने अंदर की जो भी बातें थी वो सरेंडर करके बाहर बता दी हुई हैं. इसका नाउन फॉर्म होगा एक्स्ट्रा डिशन. नाउ इसका सिनोनिम क्या होने वाला है? सरेंडर. एंटोनिम क्या होगा? हाइड करना किसी चीज को, ठीक है, छुपा के रखना या मना कर देना, डिनाई कर देना. क्योंकि यहाँ पर आप एक्सेप्ट करते हैं किसी चीज़ को, लेकिन जब आप मना कर देते हैं तो आप डिनाई वर्ड यूज़ करते हैं. इसको अगर हम सिनोनिम्स में एक्सपेल भी लिख सकते हैं. एक्सपेल मतलब आपने किसी को बाहर निकाल दिया. बैनिश, बंद कर दिया किसी को, आपने किसी चीज़ के ऊपर बैन लगा दिया, ठीक है. तो एक्सट्राडिशन या एक्सट्राडाइटेड अगर हम इसको एग्जाम्पल्स की तरह यूज़ करेंगे तो क्या आएगा? द गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड द एक्सट्राडिशन ऑफ मैनी प्रिजनर्स. देन द अथॉरिटीज, यहाँ पर एक्सट्राडिशन क्या है? Noun. The authorities wants extra diet many prisoners on Eid. ठीक है, तो यहाँ पर extra diet as a वर्ब यूज हुआ है, जिसका मतलब है कि बाहर निकालना है आपको. इसका एक और मीनिंग अगर आपको हिंदी में चाहिए तो वो क्या हो जाएगा? सौंपना. सॉरी, तो यहां पर एक्सट्राडिशन का मतलब है कि जो गवर्नमेंट है उसने सौंपने से मना कर दिया प्रिजनर्स को, और यहां पर अथॉरिटीज ने सौंप दिया है उनको. देन जो ये एम्यूनिशन वर्ड है, एम्यूनिशन जो वर्ड है हमेशा हम लोग आर्मी के लिए यूज करते हैं. आर्मी की जो हमारी गोला बारूद है या फिर कुछ भी हथियार हैं
तो उसके लिए हम एम्यूनेशन वर्ड को यूज करेंगे, जो कि एक नाउन है। इसका सिनोनिम क्या होगा? वेपन्स या फिर क्वांटिटी ऑफ बुलेट्स एंड शेल्स। इसका मतलब है कि एम्यूनेशन का मतलब है आपकी आर्मी के पास जितने भी बॉम्ब्स हैं, शेल्स हैं, बुलेट्स हैं, गोलियां, बारूद, बंदूकें, सब एम्यूनेशन में एडिशन रहता है। और इसके सिनोनिम्स क्या हैं? वेपन, ठीक है। अब इसका अगर हम एग्जाम्पल लें, द एम्यूनिशन ऑफ इंडियन आर्मी वॉज अपडेटेड रिसेंटली। मैनी न्यू बुलेट्स वर एडेड टू द एम्यूनेशन ऑफ द आर्मी। छोटा सा वर्ड है। बेसिकली हम एम्यूनेशन को एम्यूनेशन की तरह ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, कोई नाउन वर्ब फॉर्म या इसकी या फिर कोई एडजेक्टिव फॉर्म को यूज़ नहीं किया जाता। तो एम्यूनेशन जब भी आएगा तो इसका मतलब है कि गोला बारूद की ही बात हो रही है, आर्मी के जो वेपन्स होते हैं उसकी बात हो रही है। देन है डायलापिडेटेड। डायलापिडेटेड सुनने में कैसा लगता है आपको? थोड़ा डिफिकल्ट, लेकिन इसका मतलब है बहुत इजी, पुराना। कभी सोचा था ऐसा कुछ वर्ड आने वाला है कि डायलापिडेटेड मीन्स ओल्ड? नहीं। तो ये एक नाउन की तरह भी यूज होगा, एडजेक्टिव की तरह भी यूज होगा एंड वर्ब की तरह भी यूज होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको नाउन की तरह देखें तो ही लिव्स इन अ, एडजेक्टिव तरह यूज कर रहे हैं, इन अ डायलापिलेटेड हाउस। हिज हाउस वॉज डायलापिडेटेड, राइट। तो आपको इसको फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसके मीनिंग को चेंज करने की जरूरत है कि आपने उसको एज अ नाउन यूज किया है कि एज अ वर्ब यूज किया है। अगर इसको आप एक और नाउन की तरह यूज कर सकते हैं, हमने यहाँ पर इसको एडजेक्टिव की तरह यूज कर लिया, वर्ब की तरह कर लिया, लेकिन नाउन फॉर्म क्या है? डायलापिडेशन, ठीक है। ही लिव्ड इन अ हाउस विच वॉज इन अ स्टेट ऑफ डायलापिडेशन, कि वो एक ऐसे घर में रह रही थी जिसकी हालत बहुत ही खराब थी या जो बहुत ही पुराना था। तो डायलापिडेशन जो है वो एक नेगेटिव वर्ड है, इसको हम पॉजिटिविटी के लिए यूज नहीं करेंगे। देन जो वर्ड है वो है इंटरवीन्ड। डायलापिडेटेड के अगर आपको सिनोनिम्स चाहिए तो क्या आएंगे? डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रक्टेड, डिवोस्टेड, ठीक है। और डिफिकल्ट वर्ड चाहिए तो मतलब रैम शेकल। ही लिव्स इन अ रैम शेकल्ड हाउस। रैम शेकल्ड मीन्स पुराना। देन है इंटरवीन्ड। बहुत ही इजी वर्ड है, जो कि बेसिकली इंटरवीन है, हमने इसकी ईडी फॉर्म यूज की हुई है।
इंटर जो है आपका रूट वर्ड आ जाएगा, इंटर मीन्स बीच, बीच में, और इंटरवीन का मतलब है कि बीच बचाव करना या किसी को रोकना या किसी की बात में हस्तक्षेप करना, ठीक है। तो ये एक वर्ब फॉर्म है, इसकी नाउन फॉर्म होगी इंटरवेंशन। राइट, अब हमने करना क्या है कि इसको एग्जाम्पल्स की तरह यूज करना है। ही इंटरवीन्ड इन द फाइट टू सेव हिज सन, कि उसने अपने बच्चों लड़ाई में अपने बच्चों को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया। I don't like the intervention of anyone in my life, right? Intervene का अगर हम synonym ढूंढे तो मतलब क्या होगा उसका, कि हस्तक्षेप किया या फिर बीच में आया, तो मेडल, ही मेडल्ड, वो बीच में आया। ही इन्वॉल्व, इन्वॉल्व मीन्स किसी चीज में शामिल हो जाना, ठीक है। और अगर हमने एंटोनिम्स की बात करनी है तो उसका मतलब होगा इग्नोर करना, कि हमने उसको देख के भी ध्यान नहीं दिया, ओवरलुक करना, लुक मीन्स देखना और ओवरलुक मीन्स इग्नोर कर देना या फिर डिसरिगार्ड कर देना। डिसरिगार्ड, जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी नहीं होती, हम उस पर ध्यान नहीं देते, उसका मतलब है कि डिसरिगार्ड कर दिया हमने उसे। तो इंटरवेंट जो वर्ड है वो एक वर्ब है जिसकी नाउन फॉर्म इंटरवेंशन है, और इसका मतलब है कि बीच में आना, हस्तक्षेप करना, किसी की बातों के बीच में चले जाना। सिनोनिम्स क्या हैं, मेडल या इंटरवीन, इन्वॉल्व, और एंटोनिम्स क्या हैं, इग्नोर या ओवरलुक करना। देन जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एग्रेसिव, एग्रेशन से ये आया है। एग्रेशन आपको पता होगा कि गुस्सा होता है, तो एग्रेसिव मतलब गुस्से वाला। इजी वर्ड है लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं, इसलिए हम मैंने इसको आज की वो कैब में ऐड किया है। तो एग्रेसिव एक एडजेक्टिव है जिसका नाउन फॉर्म होगा एग्रेशन, मीन्स गुस्सा, और एडवर्ब फॉर्म होगा एग्रेसिवली, राइट। ये नाउन और ये एडवर्ब। अब इसका मतलब तो हो गया एग्रेसिव मीन्स गुस्से वाला, तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, हॉट हेडेड, जिसका दिमाग गर्म होता है वो कौन होता है, हॉट हेडेड। एंग्री, गुस्से वाला, लॉफ्टी, जिसको बहुत गुस्सा आता है उसके लिए हम लॉफ्टी वर्ड यूज करते हैं। ग्रम्पी, ग्रम्पी जो है वो एक कैजुअल लैंग्वेज में यूज करते हैं, ना कि एक फॉर्मल लैंग्वेज में। तो अपने रिटर्न में अगर आप पेपर अटेम्प्ट करें तो प्लीज ग्रम्पी वर्ड मत यूज कीजिए, एग्रेसिव वर्ड को ही यूज कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद एंटोनिम्स क्या आएंगे इसके, काम, जो बंदा शांत रहता है उसको हम काम कहते हैं, पीसफुल, कूल, राइट। एग्जांपल्स में यूज करेंगे, हिज सन इज वेरी एग्रेसिव, ही अटैक्ड मी aggressively, he is full of
एग्रेशन, राइट। तो आपको ये तीनों हमने एक नाउन फॉर्म यूज कर लिया, एडवर्ब भी कर लिया और वर्ब भी कर लिया। वर्ब नहीं किया हमने इसमें, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड नाउन। तो एग्रेसिव को याद रखना है आपने कि क्या होता है, गुस्से वाला, हॉट हेडेड, लॉफ्टी, एंग्री। और अगर आपको इसका एक डिफिकल्ट वर्ड चाहिए तो वो है इनकर्शनिस्ट। ओके, नाउ हमारा जो लास्ट वर्ड है वो है हजार्डस, जो कि आया है हजार्ड से। हजार्डस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है कि खतरनाक। और हजार्ड का मतलब क्या होता है? खतरा। तो हजार्ड क्या हो गया? नाउन। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? गैम्बल। गैम्बल में बहुत खतरा होता है इसलिए गैम्बल इसका सिनोनिम है। स्टेक, दांव पे भी लगाते हैं कोई चीज़ तो वो भी खतरे वाली होती है। रिस्क। थ्रेट, थ्रेट। मिनांस, अनसेफ। ये सब इसके सिनोनिम हैं। इनसिक्योर भी हो सकता है, ट्रिकी भी हो सकता है। और अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो स्टेबल, जो चीज़ हमेशा स्टेबल रहती है, एक जगह पे टिकी रहती है। सिक्योर, सेफ या सर्टेन, ये सब इसके एंटोनिम्स हैं। अब इसके एग्जांपल्स में यूज़ करेंगे द एयर पोल्यूशन इज हजार्डस। लेड पेंट इज अ हजार्ड। एंड कैन हार्म अस, राइट। तो यहाँ पर हजार्ड जो है वो एक नाउन की तरह यूज हुआ है और हजार्डस जो है वो एडजेक्टिव, राइट। तो हमने कुछ वर्ड्स इजी वे में, इजी वाले कर लिए हैं आज। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड थी। तो बेसिकली अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो पहले तो आपने क्या करना है, लाइक्स एंड कमेंट्स करने हैं। कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आपने लाइक्स करने हैं और कमेंट करना है अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद आपके हर एक कमेंट पे रिप्लाई किया जाएगा, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। अगर आप डेली बेसिस पे इन वीडियोज़ को फॉलो करते हैं तो आई अश्योर यू कि आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स बहुत इजीली लर्न हो जाएंगे, क्योंकि आप आधा घंटा अपनी वोकैबलरी को स्ट्रांग करने के लिए दे ही सकते हैं आई गेस। और कल की वीडियो में मैं ट्राई करूँगी कुछ जो वर्ड्स हैं वो थोड़े हाई लेवल के हों, आपको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़े उनको लर्न करने के लिए, लेकिन वो आपको इजीली मेमोराइज हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। कमेंट्स कीजिए, लाइक्स कीजिए। एंड जीके डाइजेस्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन को प्लीज़ इंस्टॉल कीजिए। इसमें बहुत सारा स्टडी मटेरियल हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, आर्टिकल्स, करंट अफेयर्स। अगर आपने अभी तक उसको इंस्टॉल नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए। एंड जस्ट लेट मी नो कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है और आपके क्या प्रॉब्लम्स हैं। आई एम गोइंग टू रिप्लाई ऑल योर कॉमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अब कल नेक्स्ट डे की वीडियो के साथ हम मिलते हैं। टिल देन आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।